हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज क्वेश्चन नंबर 8 ऑफ एक्सरसाइज 13.2 ऑफ मैथ्स एनसीईआरटी दैट सेज अ स्फेरिकल ग्लास वेसल हैज अ सिलेंड्रिकल नेक 8 सेंटीमीटर लॉन्ग 2 सेंटीमीटर इन डायमीटर. द डायमीटर ऑफ द स्फेरिकल पार्ट इज 8.5 सेंटीमीटर. बाय मेजरिंग द अमाउंट ऑफ वाटर इट होल्ड्स अ चाइल्ड फाइंड्स इट्स वॉल्यूम टू बी 345 सेंटीमीटर क्यूब. चेक वेदर से इज करेक्ट टेकिंग द अबव एज इनसाइड मेजरमेंट्स. तो स्टूडेंट्स, गिवन है इसमें कि एक स्फेरिकल ग्लास वेसल है जिसका जो निक है वो कैसा है, सिलेंड्रिकल है, जैसा कि मैंने यहाँ पे देखो प्लॉट करा है. अब अगर ये सिलेंड्रिकल है स्टूडेंट्स, तो इसका जो निक है उसकी लेंथ गिवन है कितनी है, ठीक है, 8 सेंटीमीटर है. तो 8 सेंटीमीटर हम यहाँ पे क्या कर देंगे स्टूडेंट्स, नोट कर देते हैं. तो 8 सेंटीमीटर ये हमारा हो गया. अब क्या बोला जा रहा है स्टूडेंट्स कि इसका जो कैचेस है, डायमीटर है इसके निक का, तो कितना है वो स्टूडेंट्स, तो 2 सेंटीमीटर है. अब 2 सेंटीमीटर है तो रेडियस कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, रेडियस जो होगा वो तो 1 सेंटीमीटर हो जाएगा. यानी कि ये वाला पोर्शन कितना हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर हो जाएगा ना स्टूडेंट्स. तो ये अगर 1 सेंटीमीटर हो गया, यानी कि हम इसे नोट कर देते हैं कितना है हमारा ये, ठीक है, 1 सेंटीमीटर. ये हमारा है 1 सेंटीमीटर. फिर बोला जा रहा है स्टूडेंट्स कि द डायमीटर ऑफ द स्फेरिकल पार्ट इज 8.5 सेंटीमीटर. डायमीटर जो है किसका, स्फेरिकल पार्ट का, वो कितना है स्टूडेंट्स, ठीक है, 8.5 सेंटीमीटर है, ठीक है, सेंटीमीटर. तो रेडियस कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, तो रेडियस जो होगा वो हो जाएगा 8.5 अपॉन में 2 हो जाएगा. ये हो गया स्टूडेंट्स. अब फिर बोल रहा है कि चाइल्ड, ठीक है, बाय मेजरिंग द अमाउंट ऑफ वाटर इट होल्ड्स अ चाइल्ड फाइंड्स इट्स वॉल्यूम टू बी 345 सेंटीमीटर क्यूब. अब एक चाइल्ड स्टूडेंट्स वो क्या करता है, वो इसमें जो वाटर है उसको मेजर करता है, अमाउंट ऑफ वाटर को मेजर करता है, तो फाइंड करता है उसका जो वॉल्यूम है कितना है, 345 सेंटीमीटर क्यूब है. अब ये बताना है हमें कि वेदर सी इज करेक्ट, मतलब वो जो लड़की है जो जिसने मेजर करा, तो वो क्या चीज़ है कि वो सही बोल रही है गलत बोल रही है, हमें बताना है, ठीक है स्टूडेंट्स. तो हम भी मेजर करते हैं इसका वॉल्यूम, और हम चेक करने के बाद बताते हैं कि क्या चीज़ की, ठीक है, कि सी इज़ राइट और रॉन्ग. तो फाइंड करते हैं, तो वॉल्यूम ऑफ द वेसल कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स. देखो, वॉल्यूम ऑफ वेसल अगर हम निकालना है स्टूडेंट्स, तो हम क्या करेंगे, इस वाले पोर्शन का और इस वाले पोर्शन दोनों का वॉल्यूम निकाल के जोड़ देंगे. तो ऊपर वाला पार्ट तो हमारा सिलेंड्रिकल है, तो वॉल्यूम ऑफ क्या करेंगे, सिलेंडर पहले फाइंड करेंगे, ठीक है, और प्लस में क्या करेंगे स्टूडेंट्स, तो वॉल्यूम ऑफ स्फेयर. तो देखो, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर जो होगा स्टूडेंट्स कितना होता है, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर तो होता है, ठीक है, पाई आर स्क्वायर एच, और प्लस में वॉल्यूम ऑफ स्फीयर. स्फीयर कितना होता है स्टूडेंट्स, तो वो होता है 4/3, ठीक है, पाई आर क्यूब होता है स्टूडेंट्स. अभी यहाँ से पाई कॉमन ले लेते हैं, तो हमारे पास जो बचेगा उसका मैं वॉल्यूम पुट कर देता हूँ इसमें. हमारे पास क्या बच रहा है स्टूडेंट्स, आर किसका आ रही है, सिलेंडर का आर कितना है, 1 सेंटीमीटर. तो 1 सेंटीमीटर का स्क्वायर करेंगे स्टूडेंट्स, इंटू में क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, इंटू में, ठीक है, इंटू में क्या होगा हमारे पास, तो इंटू में हो जाएगा 8 और 4/3 पाई, तो हमने कॉमन ले लिया है. आर की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट्स, तो आर जो है हमारा 8.5 अपॉन में 2 है, और इसका क्या है स्टूडेंट्स, ठीक है, क्यूब किया गया है. तो ये स्टूडेंट्स यहाँ से, तो यहाँ से कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स, ठीक है, तो यहाँ से तो आ जाएगा आपका ये 8 आ जाएगा. तो अब स्टूडेंट्स क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, ये तो हमारा ये हो जाएगा, और 4/3 इंटू में क्या हो जाएगा स्टूडेंट, देखो तो यहाँ पे ये 8 की वैल्यू ये कितनी हो जाएगी, अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ स्टूडेंट्स, तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हमारा होगा 7.76 हो जाएगा हमारा, 7656 हो जाएगा स्टूडेंट्स, ठीक है. अब स्टूडेंट्स क्या करते हैं हम इसमें, देखो पाई की वैल्यू कितनी रखनी है हमें स्टूडेंट्स, तो पाई की वैल्यू हमें कितनी रखनी है, तो पाई की वैल्यू 3.14 रखनी है, तो हम ले लेते हैं और उसको मल्टीप्लाई करा देते हैं. तो पाई की वैल्यू हमने रख ली यहाँ पे, तो कितनी हो जाएगी, 3.14, और उसको हमने मल्टीप्लाई करा दिया. तो मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना हो जाएगा, तो देखो 3.14 इंटू में क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, 8 हो जाएगा, ठीक है, और प्लस में इसको मैं इसके साथ ही मल्टीप्लाई कराऊंगा, तो कितना आएगा, 3.14 इंटू में हो जाएगा 4/3 इंटू में कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, तो 76 में, ठीक है, 7656. अब क्या होगा स्टूडेंट्स, देखो अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कराता हूँ तो कितना आएगा, तो ये हमारा कुछ आएगा, ठीक है, 25.12 आ जाएगा,
अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कराता हूँ तो, और अगर मैं इन सबको मल्टीप्लाई कराऊंगा तो कितना आ जाएगा हमारे स्टूडेंट्स, तो ये हमारा आ जाएगा, तो ये हमारा ठीक है कुछ आएगा स्टूडेंट्स 321.392 समथिंग, ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है तो ये आ जाएगा हमारा। अब स्टूडेंट्स अगर मैं इन दोनों को ऐड करता हूँ तो कितना मिलेगा हमें, तो हमें मिलेगा 346.512। और स्टूडेंट जहाँ पे आप देख सकते हो कि क्या चीज़ है, यहाँ पे अगर 346 पॉइंट मैं से क्या लिख सकता हूँ 51 लिख सकता हूँ, तो ये हमारा हो जाएगा स्टूडेंट्स, क्योंकि हमने ठीक है यहाँ पे क्या फाइंड किया है स्टूडेंट्स, तो हमने फाइंड किया है जो ये वॉल्यूम है ठीक है ना, तो सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे क्या बोला गया था कि उस लड़की ने जो फाइंड किया था वो कितना था, तो 345 सेंटीमीटर क्यूब था स्टूडेंट्स, और हमने जो फाइंड किया वो कितना आया है स्टूडेंट्स, तो वो आया है 346.51। यानी कि स्टूडेंट्स हम यहाँ बोल सकते हैं कि जो उसने मेजरमेंट जो किया था वो कहीं ना कहीं क्या था, गलत था। तो हम बोल सकते हैं कि 10 ठीक है क्या है कि सी इज ठीक है रॉन्ग, ठीक है, क्योंकि जो मेजरमेंट होगा वो 346.51 सेंटीमीटर क्यूब में आएगा स्टूडेंट्स, ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।